पिछले मैच में चहर को डांटने वाले सवाल पर धोनी ने कही इतनी बड़ी बात, जानकर होंगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली CSK ने MH चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए IPL 2019 के 23वें मुकाबले में KKR की टीम को 7 विकेट से रौंद दिया। 6 मैचों में 5 जीत के साथ चेन्नई की टीम पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी KKR ने आंद्रे रसल के नाबाद अर्धशतक के दम पर निर्धारित ओवरों में 9 विकेट गंवाकर 108 रन ही बनाए। चेन्नई की गेंदबाजी में हरभजन ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। दीपक चहर ने 4 ओवर में 20 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। इनके अलावा इमरान ताहिर ने 2 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट चटकाए। जवाब में CSK की टीम ने 17.2 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना दिए और 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। दीपक चहर ने इस मैच में अंतिम ओवरों में गेंदबाजी की। उन्होंने तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसल के सामने 19वां ओवर किया और रसल के बल्ले को खामोश रखा। आपको बता दें कि दीपक चहर ने पिछले मैच के बाद बयान दिया था कि गलती करने पर माँ ही भैया डांटते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। इसी दौरान धोनी ने मजाक में इसी बात पर पूछा गया कि पिछले मैच में दीपक चहर को डांटा था। धोनी ने कहा कि मैदान में कभी कभी गुस्सा आता है, जब हम जो चाहते हैं और वैसा ना हो तो ये लाजमी है। चहर शानदार गेंदबाज है और हम मैच में अच्छा कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।